हेलो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का फिर से एक नए फल कटिंग वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। ये देखिए कितना छोटा पेड़ है, आज छोटा पेड़ में फल कटिंग कर रहा है। मलेशिया में इसी तरह फल कटिंग होता है, अगर आप आइएगा मलेशिया में तो इसी तरह फल कटिंग किया जाता है और एक दिन में लगभग 200-300 फल काट देता है, लोग कटिंग कर देता है 200 फल तक। इधर कटिंग कर चुका है, ये देख सकते हैं ये वाला पेड़ कट करके जा चुका है। ये देखिए पेड़ ज़्यादा बड़ा नहीं है, मीडियम पेड़ है। और ये देखिए फल, इसको फल बोलते हैं, पाम फल। और ये देखिए कितना पत्ता काट दिया है, अभी बहुत ही पत्ता काट दिया है भाई। अभी फल का सीजन है मलेशिया में और बहुत ही फल रहता है, एक पेड़ में कम से कम 3-4 फल रहता है। इसी पेड़ में देखिए कितना चारों तरफ से फल कटिंग कर चुका है, चारों तरफ से फल कट कर चुका है इधर से। और अभी ये वाला पेड़ में देख सकते हैं अभी 3-4 फल है इसमें, ये जो अभी कटिंग करेगा ये वाला पेड़ में, इसमें 3-4 फल है। और बहुत ही जंगल है और मतलब पत्ता को बहुत काटना पड़ता है एक फल काटने के लिए। ये देखिए 3-4 कम से कम पत्ता काटना ही पड़ेगा। ये देखिए और आज मौसम थोड़ा ख़राब है, उतना अच्छा मौसम नहीं है आज, इसीलिए अंधेरा अंधेरा लग रहा है, क्योंकि आज मतलब थोड़ा बारिश के जैसा लग रहा है। बारिश भी हो रहा है हल्का हल्का, शीत के जैसा बारिश भी हो रहा है। और मतलब आज थोड़ा दिन साफ नहीं है, बारिश आने का संभावना हो सकता है, क्योंकि आज बारिश जैसा लग रहा है तो बारिश भी हो सकता है आज, इसीलिए दिन साफ नहीं दिख रहा है मलेशिया में। क्योंकि मलेशिया में डेली बारिश होगा भाई, एक टाइम में कम से कम एक टाइम बारिश होगा, एक घंटा आधा घंटा बारिश तो होना ही है। कभी कभी नहीं होता है किसी किसी दिन, लेकिन ज़्यादातर दिन बारिश ही होता है, या तो रात को होता है या तो दोपहर को होता है, लेकिन बारिश होता है। ये देखिए और बगान आपको दिखाता हूँ मैं, जो कितना ढलाई बगान है। ये देखिए हम लोग पहाड़ी इलाका में काम करते हैं, ये देखिए मतलब पूरा स्लोप बना हुआ है और इसी तरह मतलब बगान रहता है पूरा। और आज जिस बगान में हम लोग कटिंग कर रहे हैं, इस बगान में मतलब कुछ भी मतलब ये नहीं है, बड़ा पेड़ नहीं है, थोड़ा मीडियम पेड़ है। ये देखिए इधर भी छोटा पेड़ है और इधर बात करने के लिए आता है सब कोई, जैसे टावर नहीं रहता है रूम में तो इधर बात करने के लिए आते हैं। और ये देखिए बहुत ही स्पीड में ये फल काटता है भाई, और इसके ही साथ मैं तोला देता हूँ और मैं फल निकालता हूँ बाहर, तो ज़्यादा इसमें दिक्कत नहीं होगा ये वाला टेरिस में, क्योंकि ये मैं इसमें फल तो अपने आप नीचे चल जाता है, और नीचे रास्ता देख सकते हैं, वाइट वाला जो दिख रहा है वो रास्ता है, आराम से फल को नीचे फेंक सकते हैं। और चलिए, अगर अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसी तरह नए नए पाम प्लांटेशन का काम के वीडियो देखने के लिए अगर कुछ भी जानकारी चाहिए तो मैं वीडियो में जानकारी भी डालता हूँ, और इसी तरह मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आप लोग को कुछ भी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट में बोलिएगा। और चलिए।